से। सर मेरा आईडी दो क्या? आपका आईडी कहाँ का है? हाँ नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है तो दे सकते, शेयर कर सकते। ठीक है, सेज आपका ही आईडी शेयर कर दीजिए, आपका ही पोर्टल ले लो। चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप। i5 10th generation। डेस्कटॉप कंप्यूटर का L1 सर को करके दिखाने का है ना, राइट कौन सर। हाँ सर, सा ले लो सर? सर पहले वाला। पहले वाला। ओके, तो सर का रेट है 4932.4932 5.60। ओके, तो ओके सर का प्रोडक्ट खोलते हैं हम लोग। पहले 4932, यहाँ पे रेट जो आ रहा है 4932 नहीं आ रहा है, 43375 आ रहा है ना। सेलर डिटेल्स यहाँ पे जाएंगे, 4932, 4932 सर का देखेंगे। 4932 कहाँ पे है? पहले 4932 मिनिमम क्वांटिटी 2 है और मैक्सिमम 100 है। 4932, अभी 4932 से ऊपर जिनका जिनका रेट है उनको हम देखेंगे महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हैं, ये पहला चेक। फोर नाइन थ्री टू से नीचे का रेट ना, 4949 है। हाँ तो ये 4476 वाला नहीं देखना है मुझे, उड़ीसा वाला 49 उड़ीसा में दे रहा है, 76 ऑल ओवर इंडिया दे रहा है, 76 55 ये ऑल ओवर इंडिया दे रहा है, पर सर का रेट कम है। 49 ये 44 दे रहा है, सर से कम है पर यूपी में दे रहा है, खाली सवाल ही नहीं उठता। ये 43 दे रहा है बट उड़ीसा में दे रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। 76 दे रहा है, ऑल ओवर इंडिया में दे रहा है। ये कहाँ दे रहा है? महाराष्ट्र में है क्या? नहीं, 45 है। हाँ ये महाराष्ट्र में है क्या, देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में है सर, हाँ पर चलेगा, पर इसकी मिनिमम क्वांटिटी 10 है, तो 10 से, और अच्छा आपकी मिनिमम क्वांटिटी 2 है तो मैं दो। आपको दे सकता हूँ, 10 से नीचे का ऑर्डर दे सकता हूँ, है ना। ये भी हमारे लिए रिजेक्ट हो गया। 49327 है, ये भी 10 क्वांटिटी है, ये भी हमारे लिए रिजेक्ट हो गया। और जम्मू कश्मीर है, ये एक है महाराष्ट्र में 40। ये एक महाराष्ट्र में है और इसकी रेट क्या है महाराष्ट्र में, और ये रेट 46,000 का है। सर का रेट क्या है? 49 9 49। सवाल ही नहीं उठता, आपको ऑर्डर मिलेगा। ये तो ये वाला प्रोडक्ट कैंसिल हो गया क्योंकि आपको 46,000 में कोई महाराष्ट्र में दे रहा है, तो ये L1 करो या डायरेक्ट परचेज करो, आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता। नहीं मिलेंगे सर। 46,000 में कैसे मिलेगा? उससे कम रेट राइट में महाराष्ट्र में कोई दे रहा है ना, राइट सर। वो तो नहीं मिल सकता। यहीं पर खत्म हो गया। यदि ये L1 हो भी गया तो ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, जो दे रहा है उनको ऑर्डर चला जाएगा। दूसरा ओके सर, कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सर। लेता हूँ, ये देखो एक है 59 वाला, सेम 59 वाला एक प्रोडक्ट है, इसका देखता हूँ सर का रेट है। ये वाला का 59650 है ना, 59650। अभी 59 का मुझे फिर से देखना पड़ेगा महाराष्ट्र के लिए, दिल्ली 59, 59650, 49 में महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। में दे रहा है क्या? है हाँ क्या? सर है सर। है, और मिनिमम क्वांटिटी एक है, तो आपको इससे कम में देना पड़ेगा। सवाल ही खत्म हो गया यहाँ पर भी आपका। सेम दूसरा भी देखना पड़ेगा, उससे कम में तो देना पड़ेगा, इसलिए सर और एलवन है में क्या नहीं आ रहे प्रॉब्लम? थे ये, है इसलिए एलवन में नहीं आ रहा था। मैं काफी ट्राई किया। वो L1 में आया भी तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, वो दूसरे को ऑर्डर जाएगा। ओके सर। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर डाउनलोड करेंगे ना तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ओके सर, इसका करके दूसरा देंगे बोलो है एसी का, एसी टू टन ये एसी वाला का टू गोदरेज, ये देखो टन। हाँ ये वाला। इसका देखता हूँ, नया टैब में खोलता हूँ। आपका रेट है 49495 0, 49500।
ये एकदम परफेक्ट है, 4-9 आपका ही सबसे शायद कम है या किसी ने फेयर भी नहीं किया होगा, है ना। इधर क्या बोलते हैं ये वाला 4950 4950। अब किसी ने पेयरिंग किया भी है तो हमने को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेट आपका सबसे कम ही है। वो एक है, हम दो क्वांटिटी का आपको ऑर्डर दे सकते हैं, है ना। पहले ये चेक करेंगे ये प्रोडक्ट, अभी यहाँ तक तो परफेक्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट आईडी लेंगे और इसको पहले चेक करेंगे ये प्रोडक्ट आईडी में आपका प्रोडक्ट L1 हो सकता है या नहीं, है ना। ओके तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, बायर के आईडी में, सेलर के आईडी में जाएंगे, कैटलॉग, प्रोडक्ट, एड न्यू ऑफरिंग, हम लोगों ने पहले ही बताया था आपको, यहाँ जाएंगे। और किस कैटेगरी में से बिलोंग करता है ये, स्प्लिट एयर कंडीशनर इंक्लूडिंग ग्रीन एसी, ऐसा है। तो स्प्लिट किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, स्प्लिट एयर इंक्लूड, कॉपी पेस्ट, ये वाला है इंक्लूडिंग ग्रीन एसी, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। चलो अभी सर का कंपनी कौन सा है, गोदरेज। अरे बाप, सर को गोदरेज का ऑथराइजेशन नंबर मिल गया, मतलब हम लोग को चैनल पार्टनर है सर इसके। हाँ क्या, गोदरेज ऑथराइजेशन नंबर बहुत बहुत ही कम लोगों को देती है, गोदरेज नहीं देती। और गोदरेज का काम करने में बहुत मजा है क्योंकि गोदरेज एक डिस्ट्रिक्ट में किसी को ऑथराइजेशन दे दिया तो दूसरे को नहीं देती। हाँ ये गोदरेज का अच्छा है, मतलब इंक्लूडिंग बाहर के लोग, जैसे मान लीजिए नागपुर का टेंडर है और यदि बाजू के अमरावती का कोई अमरावती वेंडर है, अमरावती का वेंडर ने यदि नागपुर का टेंडर में पार्टिसिपेट भी कर लिया गोदरेज का, और यदि नागपुर वाला ने कंप्लेन कर लिया तो उसका जो ऑथराइजेशन है वही कैंसिल कर देता। ये गोदरेज का एक बहुत अच्छी बात है, कोई भी गोदरेज का प्रोडक्ट सबमिट। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे देखेंगे जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे कम रेट में आना चाहिए। अभी सेम स्पेसिफिकेशन में कौन कौन दे रही है गोदरेज, देखो रियर दे रही है, हिटाची दे रही है, कौन कौन दे रही है उनका प्रोडक्ट डाल दो, कौन कौन सी कंपनी दे रही है, इंटेक दे रही है, और कौन दे रही है, एनलॉड दे रही है, सबका टिक कर दो पहले, अनिक दे रही है और वोल्टास दे रही है ना, इतने कंपनी दे रही है सेम। ओके तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे लो टू हाई, अब यहाँ पे लो रेट क्या है, देखो 4375। तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, 4950। अभी हो सकता है आपका L1 हो, ऐसा नहीं है, इसको नया टैब में खोलो और देखो ये महाराष्ट्र के लिए दो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है क्या इसका कोई भी वेंडर। सेलर डिटेल्स, रेट 49,000 से नीचे, ऑल ओवर इंडिया आपका रेट क्या है, 49,500। हाँ तो यहाँ पे है मिनिमम एक क्वांटिटी दे रहा है, ऑल ओवर इंडिया दे रहा है, 100 क्वांटिटी तक दे रहा है, मतलब आपका काम खत्म, आपका प्रोडक्ट L1 नहीं बनेगा। सर वापस जाइए सर, कुछ और दिख रहा है ये सर, ये 220 यूनिट्स इक्वल टू 81 क्या लिखा सर यहाँ पर, यहाँ ये इसको डिस्काउंटेड प्राइस दिया है, यदि 200 से 20 कोई क्वांटिटी खरीदेगा उसको 21 रुपीस डिस्काउंटेड देगा सर। इसको हटाने का कोई चांस नहीं ना अपने, नहीं अभी इसको हटाने का कोई चांस नहीं, ऑल ओवर इंडिया में देना, अभी आपको यदि देना है तो आपको इससे कम, अभी ये तो एक प्रोडक्ट का देखा, ऐसे अपने को हर एक प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट निकलेगा फिर उसके बाद ये वाला भी है, उसके बाद ये वाला भी प्रोडक्ट है आपके ऊपर, फिर इतना है आपका प्रोडक्ट तो बहुत नीचे आता है, यहाँ पे आता है, मतलब आपके ऊपर टोटल L1 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं, तो आपका प्रोडक्ट L1 नॉर्मल प्रोसेसर से कभी नहीं होगा। हम चाहे तो हम इसको L1 कर सकते हैं ये वाले प्रोडक्ट, अभी इस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट कौन है, ये L1 है, बराबर है ना, हम चाहे तो इसको L1 कर सकते हैं, इसको कॉपी करते हैं ये वाला प्रोडक्ट अपना बेस्ट प्राइस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है 37,050 वाला, तो महाराष्ट्र का बायर जो है महाराष्ट्र के लिए देखो सेलर डिटेल्स जो महाराष्ट्र के लिए दे रहा है, महाराष्ट्र में 45,900 में दे रहा है, तो एक 45,900 में हो गया, और एक क्वांटिटी का यदि ऑर्डर दिया भी हमने इसको तो 45,900, और फिर
45,000 या 41,000 में यूपी में दे रहा है, चलो जरूरत नहीं है, झारखंड में दे रहा है, ये महाराष्ट्र में दे रहा है 47,000 45,000 रेट है अपना, तो 45,000 से नीचे वाले को देख रहे हैं, नीचे वाला 45,080 में है अपना, 45,000 है ना पूरा, नहीं 45,900 है, ओके 45,900 देखो किसको ऑर्डर मिलेगा, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, यूपी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है वो रहेगा ही रहेगा, इतना स्टेट में दे रहा है तो महाराष्ट्र कैसे छोड़ेगा, तभी ये रेट अपना बेस्ट प्राइस क्या हो गया, 45,080 मेरा अपना बेस्ट प्राइस हो गया, और देखो 45,080 से अरे कितने लोगों ने डाला है, 45,080 अपना रेट कितना हो गया 450, अभी ये प्रोडक्ट अपने को 45,080 में प्रोडक्ट को L1 हो सकता है, बट फिर भी यहाँ पे एक डाउट है कि देखो यहाँ इंटरफेस में 39,000 वाला भी एक ऑर्डर पड़ा है, तो ये एक ऑर्डर फिर चला जा सकता है महाराष्ट्र के, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 45,080 आ रहा है ना अपना, 37 नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर ये वाला एक प्रोडक्ट है, ये महाराष्ट्र में नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये L1 हो जाएगा, 37 दिल्ली ये तो नहीं है, ये 40,000 में अपना कितना था, ये कंफ्यूज बहुत है, पहले वो देखना पड़ेगा, छोड़ो इसको मत, कंफ्यूज में नहीं रहते हैं, नहीं तो एक एक का ऑर्डर लिख के रखना पड़ेगा और फिर उसको ध्यान देना पड़ेगा, आपका ही प्रोडक्ट को देखते हैं, दूसरा कौन प्रोडक्ट आपका L1 होने वाला है उसके ऊपर काम करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बोले दूसरा और क्या ले लो, यहाँ पे एक है जेके कॉपियर है, इसको ले सकते हैं हम, इसका रेट है 298, पहले देख लेंगे डायरेक्ट, 210 है रेट, पहले यहाँ चेक करना है अपने को, 295 दिल्ली कश्मीर महाराष्ट्र 298 ये मेरा है, बराबर है महाराष्ट्र के लिए मेरा बेस्ट प्राइस है मेरा, तो मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोडक्ट L1 अभी तक में हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी कॉपी करेंगे और फिर इंटरफेस में जाकर डाल, अब ये कैटेगरी क्या है, प्लेन कॉपियर पेपर, प्लेन कॉपियर प्लेन कॉपियर पेपर ये वाला कैटेगरी, कैटेगरी में जाओ, बराबर है ना, कैटेगरी हमारा कैटेगरी परफेक्ट है, प्लेन कॉपियर पेपर, और फिर हम जाएंगे यहाँ पे ब्रांड, कौन सा ब्रांड का है ये, जेके पेपर हाँ यहाँ जेके पेपर, और इसके आईडी को देखेंगे अभी जो मेरा रेट में होता है, क्या मेरा रेट क्या है जेके पेपर का, 298, अभी अपना 298 से कम नहीं होना चाहिए मेरे स्पेसिफिकेशन, तब ये L1 होगा, पेस्ट सबमिट, सबमिट करेंगे यहाँ चेक करेंगे, 7% अभी कौन कौन से ब्रांड आपको दे रहा है प्रोडक्ट, चलो जेके कॉपियर हो गया, ट्रेडर हो गया, एक कंपनी दे रही है और एक जेके ट्रेडर, ऐसे तीन कंपनी दे रही है, तीन कंपनी मुझे प्रॉपर दे रही है, अलग इतने सारे, ये आप लो टू हाई 290 में सर का रेट है, 290 सर का रेट, सर का रेट क्या है 298, बाप रे सर का रेट अभी जो सबसे हाई पे अभी देखना पड़ेगा, 210 वाला कोई नहीं देना चाहिए, ये 210 वाला है, ये महाराष्ट्र के लिए नहीं देना चाहिए, हर कोई अभी सब में से इसमें से कोई भी महाराष्ट्र के लिए नहीं, सप्लाई नहीं होना चाहिए, तो महाराष्ट्र का खाली देखो, ऑल ओवर इंडिया दिया तो भी खत्म, 295 मेरा कितना, आपका कितना है, 298 है सर हमारा, 298 हाँ खत्म, पर हम आपको 50 से ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर दे सकते हैं ना,
बराबर है ना, बराबर है। आपका ऑर्डर, आपका ऑर्डर कितना का है सेलर डिटेल्स में? एक का है सिंगल का, नहीं, आपका मैक्स क्वांटिटी कितना है? सिंगल है सर एक। 290, किधर गया आपका 295? आपका भी यही है ना? नहीं, इनका 298 है अमाउंट। 298 है क्या? 298, हाँ ये 460 ये है। तो यदि मैंने 50 से ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर दिया तो ये एक बाहर हजार हो राइट। जाएगा, क्योंकि तो उसका स्टॉक उतना ही है। तो अभी तक में ये तो चल गया अपना 298। अभी देखो शायद यही वाला ऑर्डर है अभी ना, हम लोग सेम ही खोल दिए शायद, है ना? अलग आई थिंक, तो जी सर हमारा ये ही शायद है। आपको ही मिलेगा 298। तो ये खत्म हो गया, पहला वाला छोड़ दीजिए, पहला वाला को निकाल देते हैं, दूसरा देखते हैं। ये वाला जेके क्रेडर, नहीं जेके क्रेडर का था वो 298, 240 का है। सेलर डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र के लिए 287। हाँ पर इसके पास क्वांटिटी अवेलेबल 10 है नहीं है, 10 ही है। तो खत्म हो गया ये, 280 से नहीं है जम्मू कश्मीर में। ये वाला भी ऑर्डर हमने को गया, तो ये भी बाहर हो गया हमारे कॉम्पिटिटर, तीसरा कॉम्पिटिटर। तीसरे कॉम्पिटिटर का देखते हैं 298 में प्रॉपर ये थोड़ा होना चाहिए सेलर डिटेल्स, और नहीं तो जो बेस्ट प्राइस है उसमें आपको देना पड़ेगा। यहाँ से बेस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ये थ्री यहाँ फिफ्टी पर फाइव है, सवाल ही नहीं होता। नहीं दे रहा है ये 350, ये महाराष्ट्र में दे रहा है, पर ये रेट ज्यादा है। इसका भी रेट ज्यादा है, 260 नहीं दे रहा है राजस्थान, ये भी नहीं, हो गया सर लास्ट। कॉम्पिटिटर से बाहर। अभी बच गया चौथा, फोर्थ वाला 270 वाला। अभी ये नहीं देना चाहिए, नहीं तो ऑर्डर इसको ही चला जाएगा, मतलब यही L1 होगा। सेलर डिटेल्स देखते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु, गुजरात, कोलकाता, उड़ीसा, उड़ीसा। चलो आपका ये प्रोडक्ट L1 हो हो सकता गया राइट। है, ठीक है? ठीक है तो अपने को इतना मेहनत पहले करना पड़ता है। अभी ये ओके। हो गया नहीं, हो सकता है, मैंने बोला ऐसा नहीं बोला। और अपने को क्वांटिटी 50 से ज्यादा का ऑर्डर देना पड़ेगा, है ना? ये राइट अपने को डिफाइन हो गया, 50 से नीचे नहीं। ये अपना ऑर्डर है, इसको कॉपी करेंगे और मैं यहां से अभी लॉग आउट कर देता हूं आपका प्रोडक्ट को, या इसको पेस्ट कर लेता हूं। पेस्ट, यदि हम लोगों ने प्रॉपर काम किया तो ना, ऐसे ऊपर ऊपर देखा तो नहीं चलेगा। अभी इतने सारे प्रोडक्ट से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो लॉग आउट आपका आईडी, बाहर का लॉग इन। पहले वहीं से चेक कर लेने का, वहां से होने वाला है, नहीं तो आपको वहां पे बेस्ट रेट पता चल जाता है, फिर आपका प्रोडक्ट को वो रेट में बेच दो, तुरंत L1 हो जाओगे आप, जो आपका प्रोडक्ट का बेस्ट रेट है, हो जाएगा आपका प्रोडक्ट L1, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, 50 से ज्यादा का। कॉपी कर लेंगे इसको, सेम जैसे प्रोसीजर बोला था वैसे ही पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट, इंटर। ओके, ये वाला है तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये हमारा कैटेगरी है, कैटेगरी ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी जाओ यहाँ पे सिलेक्ट कंसाइनिंग, एग्जिट, सिलेक्ट कंसाइनिंग महाराष्ट्र, और क्वांटिटी 50 से ऊपर 100 का देता हूं। सर्च, पांच हजार में L1 आ रहा है। हमारा प्रोडक्ट का रेट क्या है? यहाँ पे लिंक है, इसको इंटर करेंगे, हमारा प्रोडक्ट का रेट आ जाएगा। आई थिंक 298,00 आना चाहिए ना, 298,00, 29,800 रुपया रेट है। L1 कौन है? 5,000। हमारा प्रोडक्ट को निकाल, ये प्रोडक्ट पर तो जो गोल्डन पैरामीटर है, फिल्टर लगाओ एक एक करके, देखो साइज ऑफ पेपर, यदि ये जो गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है उसको पहले लगा देने का, जैसे गवर्नमेंट बोलती है साइज ऑफ पेपर मुझे A4 ही चाहिए, तो A4 को लगा दो फिल्टर पहले। और क्या यहाँ पे GSM बोला है, जनरली ये दो नॉर्म्स बताती है, GSM, GSM
अब यहां से वो फिल्टर यूज करना है या नहीं करना है यहां से देखते हैं। जीएसएम 100, यहाँ पे जीएसएम देखो इसका भी 100 है, तो फिल्टर लगा के मतलब नहीं है, जीएसएम का मत लगाओ। दूसरा और बड़ा फिल्टर देखो, सरफेस ऑफ इंडेक्स छोड़ दो, छोटा फिल्टर है, हमेशा पहले बड़े फिल्टर पे काम करेंगे, ये भी छोटा ही है, नहीं तो देखेंगे आईएसओ का देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे है ना, तो ऐसे देखते आईएसओ ब्राइटनेस परसेंटेज मिनिमम एन इक्वल टू ग्रेटर देन 980, यहाँ पे देखो आईएसओ ब्राइटनेस 95, इसका देखो जो अभी L1 है उसका क्या है, 80 नहीं होना चाहिए, उसका 190 है। तो हम अभी फिल्टर किसका लगा देंगे, मेरे प्रोडक्ट का 95 का, ये आईएसओ ब्राइटनेस का फिल्टर लगा दो, कितना है अपना 95, अभी हम यहाँ पे 95 का फिल्टर लगा देंगे, 95, एक से दो तीन चार पांच ऐसा आता है, 95, सिर्फ 95, 910 प्रोडक्ट रह जाएंगे, 95, ये निकल जाएगा, एकदम इजी है L1 बनाना यार, वहाँ अगर मैच हो गया, L1 बनाना 2 मिनट का काम है आपके लिए, वहीं पर जो मेहनत है, पहले ही सेलर के अकाउंट पे ही जो मेहनत, अब यहाँ से डायरेक्ट आपका L1 हो जाएगा। ऑप्टिसिटी, ऑप्टिसिटी देखो 93 है, अभी जो प्रोडक्ट आया उसका क्या है देखो, 93 है क्या, ऑप्टिसिटी 94 है, तो हम यहाँ पर 93 का फिल्टर लगा देंगे, ऑप्टिसिटी में 93 का 38 प्रोडक्ट बच जाएंगे, लगा दो 18,900, ओके। जीएसएम 70 है, मेरा जीएसएम 100 है, अभी हम जीएसएम का लगा सकते क्योंकि अभी 70 वाला है, जीएसएम का लगा दो 100, आपका इकलौता प्रोडक्ट आ गया 2,900 का, मुझे अभी खाली कॉम्पिटिटर से, कॉम्पिटिटर तो मुझे ऐसे भी मिल जाएंगे कहीं से भी, नहीं लगाया तो भी चलता था, अभी इसको लगा के एक्चुअली हमने प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर खत्म कर लिया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 96 में एक बार चेक कर सकते हो, दो प्रोडक्ट है, 25,000 वाला आ गया, छोड़ दो, यदि आपसे ज़्यादा रेट वाला आ गया उसको यूज मत करो। कौन सा लगाया अभी, 96 वाला लगाया, छोड़ दीजिए उसको, L1 होता है तो फिल्टर यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, 88 में दो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, देखो 88 में दो कॉम्पिटिटर कौन आ रहा है, 27,000 वाला आ रहा है, को भी यूज नहीं करेंगे, 88 वाला भी नहीं यूज करेंगे, नहीं तो A4 का फिल्टर निकाल देंगे, 88 में दो। हाँ सर, अब यहाँ पे 95 में 3 प्रोडक्ट है, 95 का देखो, नहीं 95 वाला भी अपना नहीं निकाल, 95 वाले को भी निकाल दो, 29,800, अभी A4 को निकाल दो, A4 ने मुझे तकलीफ दिया, मेरे कॉम्पिटिटर को कम कर दिया, A4 को ही निकाल दिया, 29 नहीं, कुछ तो A4 की वजह से तकलीफ हुआ था, A4 को निकाल देंगे, हाँ अभी भी एक प्रोडक्ट में आना, लास्ट में कौन सा लगाया था हम लोगों ने फिल्टर, वो GSM था, GSM का लगाया था, नहीं ओपेसिटी लगाया था, ओपेसिटी नहीं, नहीं GSM का ही लगाया था ना, A4 का बराबर था, GSM का लगाया था इसलिए आपने गलती हो गई, अच्छा GSM का लगाया था, 18,900 का प्रोडक्ट, रहने दो अभी दूसरा फिल्टर पे काम करो, ये दो फिल्टर हो गया हमारा का लगा हुआ ISO का, और फिल्टर है बहुत सारे फिल्टर है ना, दूसरे फिल्टर पे काम करके हम L1 कर लेंगे, अपने को इसमें L1 होगा, ये तो है, 1 मिनट कॉप क्या है, 25 है, इसका क्या है देखो, इसको पहले देख लो, 1 मिनट कॉप क्या है, 1 मिनट कॉप 25 ही है, टेक्सटाइल इंडेक्स 60 है, इसका क्या है देखो, टेक्सटाइल इंडेक्स 40 है, हम टेक्सटाइल इंडेक्स मशीन का लगा सकते हैं, टेक्सटाइल इंडेक्स में इंडेक्स 40 का फिल्टर लगाएंगे, टेक्सटाइल इंडेक्स मशीन का 40 का लगा दो, 40 में दो प्रोडक्ट है, 23,000, ठीक है आपका प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, अभी यहाँ पे टेक्सटाइल इंडेक्स क्रॉस इंडेक्स
कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब यहाँ पे टेक्सटाइल टेयर इंडेक्स क्या है, देखो टेयर इंडेक्स, टेयर इंडेक्स, टेयर इंडेक्स 4.5, टेयर इंडेक्स 4.5 हमारा प्रोडक्ट इकलौता रह जाएगा। अभी मेरे पास कॉम्पिटिटर के लिए जगह बढ़ गया, अभी इतने सारे जगह बच गए, तो हम यहाँ पे कोई भी एक को फिल्टर लगा के काम करेंगे। अभी 95 में 6 प्रोडक्ट है, 85 में 2, एक एक फिल्टर लगाओ, देखो 19,000 का आ रहा है, निकाल दो 85 का, कौन सा निकाल लगाया था 85, निकाल दो 85 का, नहीं हो रहा 85 से, नहीं हो रहा है 88 का, 88 का भी नहीं हो रहा है। पहले तो यहीं से पता चल जाएगा अपने को, ये फिल्टर लगाने से पहले हम लोग ये कर लेंगे जो एक मिनट नहीं पाया 88 का, 89 का देखो एक प्रोडक्ट है, नहीं 89 में भी एक प्रोडक्ट हमारे लिए रेट ज्यादा ही आ रहा है, इससे ज्यादा वाले फिल्टर करना है, 89 का निकल जाएगा, 90 में 7 प्रोडक्ट, 90 में भी 7 है, सब मेरे से ज्यादा है, यहाँ पे हाई टू लो का एक फिल्टर लगा सकते हैं, मेरे से ज्यादा वाला रेट का प्रोडक्ट है क्या, है ही नहीं, तो वो वाला भी फिल्टर निकाल देंगे 90 का, 92 का देखेंगे, 92 का देखो यहाँ से, नाइन्टी टू में एक है, नाइन्टी टू में भी, नाइन्टी टू में नहीं आ रहा है, 95 में एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट है आपके पास, नहीं 95 कर गई, ये हमारा ऑप्टिसिटी में हम फिल्टर नहीं यूज कर सकते, ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरे और कहाँ यूज कर सकते हैं, आईएसओ ब्राइटनेस में हम लोगों ने यूज किया था आई थिंक, फिर भी और एक बार ट्राई कर लेते हैं, अभी जिसका किया था वो याद रखेगा थोड़ा, 94 में देखो नहीं है, आपके इनका बहुत ही हाई रेट है क्या, हर चीज में इतना तो नहीं होता, जनरली कोई ना कोई आ जाता है आपके पास, एक भी कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा है। 91 सर, कॉम्पिटिटर लाना जरूरी है, जरूरी है, विदाउट कॉम्पिटिटर का L1 नहीं होगा, अलग ब्रांड चाहिए और अलग सेलर भी चाहिए, ये भी नहीं चल रहा है, 91 भी नहीं चल रहा है, 91 और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और फिल्टर कहाँ पे है देखो, फिल्टर ही गायब हो गया था मेरा, अब यहाँ पे देखेंगे आ गया फिल्टर, आईएसओ ब्राइटनेस 95 है ना, 95 का फिल्टर लगा लेंगे, प्लीज आईएसओ ब्राइटनेस 95 आईएसओ ब्राइटनेस 95 800, अभी अपने पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए 93, अपने हम लोगों ने क्या लगा लिया, ये दो लगा लिया, ये सब नहीं लगा सकते, और कौन सा बच गया, ये भी लगा के देख लिया, टेंस्टाइल इंडेक्स में नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, अपना लास्ट फिल्टर क्या था अभी वो देखो, लास्ट फिल्टर था अपना 40 वाला, फिल्टर फिर से निकालना पड़ेगा अपने को एक एक, 23,000 का, अभी देखो पहले यहाँ पे L1 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नीचे ही आ रहा है, आपका हाई रेट से प्राइस में तो प्रोडक्ट होना चाहिए 40 का,
40 का भी निकालता हूँ। अब यहाँ पे पहले हाई रेट में चेक करो, जो हाई रेट में है क्या, हाई टू लो 29,800 से ऊपर है क्या, है ही नहीं प्रोडक्ट, नहीं रहेगा तो कहाँ से निकालो। 93 को निकालो, 93 को निकाल के देखते हैं। अभी है, अभी फिल्टर वही लगाएंगे जहाँ पे हाई रेट में प्रोडक्ट रहेगा, नहीं तो फिल्टर ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फिल्टर ही नहीं मिल रहा है। 1800 का छोड़ दो, फिल्टर ढूंढो जिससे हाई रेट में प्रोडक्ट रहे। ऑप्टिसिटी मत लगाओ, टेंसाइल इंडेक्स नहीं, टीयर इंडेक्स में हम लोग बहुत फिल्टर है एक्चुअली। इसमें L1 करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर होना तो चाहिए। स्मूथनेस ऑफ बोथ साइड 80 देखते हैं अभी। पहले इसका चेक करेंगे, स्मूथ ऑफ बोथ साइड क्या है, बोथ साइड स्मूथनेस फॉर बोथ साइड 280 है। स्मूथनेस ऑफ बोथ साइड 80, स्मूथनेस ऑफ बोथ साइड यहाँ पे डालो 80 का फिल्टर, 80 का फिल्टर 80 में एक प्रोडक्ट है 2800। अभी अपने पास एक फिल्टर का बड़ा लॉट लग गया है, तो हम यहाँ से उसको फिल्टर लगाते रहेंगे। यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट अभी 100% मिलेगा, क्योंकि इसमें है ज्यादा रेट वाला 98, 20,000 वाला छोड़ दो 98 को निकालो, 80 का हुआ नहीं, 96 में दो, 96 में दो नहीं आ रहा है, 98 से ज्यादा लगाओ सर शायद, क्योंकि कम में रेट कम आ रहा। अभी ये जिनका पेपर है एक्चुअली उनको पता होता है जिनको लगाना क्या है, 98 के ऊपर ऊपर का लगाओ तो शायद कम आए। इधर लगाओ क्या, हाँ 100-150 का लगा देता हूँ, 155 वाला, हाँ बराबर बोला सर, 155 में एक आ गया अपना कॉम्पिटिटर, और एक वैसे ही लगाओ, और एक लगा देते हैं 125 में दो है, नहीं तो 164 में है ना, 164 वाला नहीं, एक कॉम्पिटिटर आ गया और एक कॉम्पिटिटर से 164.55 को निकाल दो सर। वो 125 में दो बता रहा, वो लगाओ 125 में ना, पहले एक एक का चेक कर लेते हैं ना, 125 नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा लगाया और कौन सा नहीं लगाया, ये नहीं पता चलेगा। 125 में दो, चलो नहीं, 125 वाला निकाल दो, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, मेहनत तो है थोड़ा। अभी 125 वाला नहीं, स्मूथनेस 150 का नहीं, 28 है, इसको इतना ज्यादा लगा के फायदा नहीं है। 160 में 4 है, 161 का लगाया क्या हम लोगों ने, नहीं लगाया, 164.5 लगाया था अपन ने, 161 बाकी है भी लगाना, मैं लगा रहा हूं 161 नहीं, 161 भी नहीं आ रहा है, एक तो ढूंढना पड़ेगा, क्या फिल्टर, चलो अपने को पता है इसलिए हम फोटो निकाल के रखते हैं, हम यहाँ से भी वो गायब हो गया, अब हम क्या करते हैं फोटो निकाल लेते हैं, जहां तक काम किया ना वहां का फोटो निकाल लेते हैं, ताकि अपने को तकलीफ ना हो आगे जाकर, जितना काम किया उतना तो रहता है अपने पास। 210 का है क्वांटिटी, हम लोग 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे थे, सिलेक्ट कंसाइन महाराष्ट्र 100 सर्च 100, 5,000 का हो गया हमारा प्रोडक्ट है, 28,000 का 280 के हिसाब से 298 का, कैसे 10 वाले नहीं 298, चलो स्पेसिफिकेशन में क्या क्या फिल्टर लगाता है, स्मूथनेस को ही लगा देते हैं पहले, उसमें अपने को इजीली मिल गया अपना स्मूथनेस कितना है, 86 स्मूथनेस, 86 है क्या, स्मूथनेस 80 सॉरी, एक गलत नहीं कर सकते, गलत किया तो मेहनत पूरा रिपीट, याद रखो 80 में 69 प्रोडक्ट,
क्योंकि इसमें मुझे पता था कि 80 में प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे थे, है ना। अब यहाँ पे रेट लगाओ, पहले चेक करो कभी भी I2 लो का रेट होना चाहिए, आपसे ज्यादा वाला प्रोडक्ट होना चाहिए तो L1 होगा, नहीं फिल्टर में पहले से ही निकल गया तो क्या फायदा। सर इमीडिएट स्क्रीनशॉट आते क्या इसमें? हाँ अभी देखो, ये मैंने फिल्टर लगाया इसका 80 का, तो मेरा प्रोडक्ट कभी L1 नहीं होगा, एक ही है ना मेरे ऊपर का रेट का, तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, फिल्टर लगा के कोई मतलब नहीं है, मतलब इसीलिए मुझे L1 ढूंढने से भी नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि हाई टू लो का जो फिल्टर लगाया उसमें एक ही प्रोडक्ट है, तो मेरा और एक तो कॉम्पिटिटर चाहिए, तुरंत अपने को पता चल गया तो ये फिल्टर को हम लगाएंगे ही नहीं, पहले ही निकाल दो, लगा के कोई मतलब नहीं, हमारा प्रोडक्ट L1 होगा ही नहीं, निकाल दो इसको। दूसरा देखो कहां से हो सकता है, एस कंटेंट, एस कंटेंट में 16 है, एस कंटेंट में 16 का फिल्टर लगा देते हैं, 16 में बहुत प्रोडक्ट है, 4958। अभी यहाँ पे हाई टू लो का फिल्टर लगा हुआ है, अभी 61,000 का है, बहुत सारे प्रोडक्ट हम इसका फिल्टर यूज कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद और फिल्टर देखो कौन सा है जो काम कर रहे हैं, वो ओपन रखने का, बाकी क्लोज। थिकनेस, थिकनेस इन एमएम, थिकनेस इन एमएम किधर गया, थिकनेस इन एमएम 118, इसको चेक करो 118, थिकनेस इन एमएम 118, इसका 95 है, मेरा है 118, थिकनेस इन एमएम 118, 118 118 में एक प्रोडक्ट है, 118 थिकनेस, 118 ठीक है, 118। अभी यहाँ पे हमारा L1 हो सकता है क्योंकि हमसे ज्यादा रेट वाला है प्रोडक्ट, 118 में एक प्रोडक्ट आ गया, अभी अपने को कॉम्पिटिटर ढूंढना है, हम इजीली अभी कॉम्पिटिटर यहाँ से ढूंढेंगे जो लास्ट वाला फिल्टर लगाया, अब यहाँ पे मुझे मिलेगा ये तो मुझे पता है। अभी इससे ज्यादा किसका है पेपर, ज्यादा में L1 होता है या ज्यादा में रेट बढ़ता है या कम में रेट बढ़ता है, थिकनेस ज्यादा हुआ तो रेट बढ़ेगा, है ना, तो 118 से हम लोग ऊपर में जाएंगे बहुत, 156 में या 160 में, चलो यहां से 180 में चार है, चार है तो थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं, 160 में बराबर हो सकता है, नहीं 160 तो 160 यूज कर लिया, चौतीस हजार का देखो एक प्रोडक्ट था जो फिल्टर होके निकल गया, 180 का नहीं लगा सकता, 29,800, 180 और 180 कहाँ चले गए हम, 180 160 लगा दिया, 156 में एक है देखो, 156 में एक है, नहीं तो हमारे पास, हम आपको एक दूसरा भी तरीका बताते हैं, इसको छोड़ दो फिर कैंसिल कर दो, और इससे हाई रेट वाले का देखो इधर गया था फिल्टर, इधर भी थोड़ा लेट कर रहा है, इसको निकाल दो 118 का, याद रखो थिकनेस हमारा 118 है, छोड़ दो इसको, और एकदम इजी आपको और 118 कट बताता हूँ, इतना मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे जाओ और इस पेड़ इसका देखो इसका क्या है, डायरेक्ट इसका फिल्टर लगा दो थिकनेस इन एमएम में, इसका क्या है फिल्टर देखो, थिकनेस क्या है, थिकनेस इसका क्या है, इसका थिकनेस देख लो, अपने से हाई रेट वाले का थिकनेस देख लेगा, यही वाला है क्या, थिकनेस से नहीं हूँ, ये वाला फिल्टर ही है क्या, थिकनेस इन एमएम वाला है, नहीं ये नहीं, थिकनेस इन एमएम बोल के, थिकनेस इज, थिकनेस इन एमएम ये गया,
यूएम बता रहा है यहाँ पे तो कंट्रोल सी यही है 101 है तो 101 है तो पहले 101 में देखो प्रोडक्ट है क्या 101 में यदि प्रोडक्ट है तो वो मेरा एक कॉम्पिटिटर ऐसे तैयार हो गया डायरेक्ट इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं 101 में 70 प्रोडक्ट है तो मतलब नहीं इसको मेहनत करके इसको अभी फिलहाल के लिए निकाल दो छोड़ दो पहला वाला प्रोडक्ट का काम खत्म एक दो प्रोडक्ट होना चाहिए 61,200 इसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या इतना मेहनत में से हम तो उल्टे में भी जा सकते हैं थिकनेस इन एमएम थिकनेस इन 3.5 का फिल्टर देखो 3.5 नहीं वो सर कुछ गलत देख लिया आपने 3.5 में और कुछ देख लिया वो टीआर इंडेक्स देख लिया आपने 101 है पिछले वाला का बेटा ना हाँ पिछले वाला का बेटा तो इसको निकाल देते हैं 101 में और 101 में प्रोडक्ट मिल रहा है ये ध्यान दो अपन ने न्यू टैब इसको देखेंगे इसमें क्या है तो सर वो दो फिल्टर डाल दिए तो उनके थिकनेस में तो एक ही उनका ही प्रोडक्ट है ना 80 में तो 80 और 101 डाल दिया तो 101 में बहुत प्रोडक्ट है ना 70 प्रोडक्ट है नहीं इनका इनका 80 में है ना हाँ इनका 80 है वो तो लगा देंगे ना बाद में लगा सकते हैं ना हम 80 का हाँ। 80 का लगा देंगे तो हम 28,000 वाले से ज्यादा वाला प्रोडक्ट रखेंगे और 80 का फिल्टर लगा दिया तो हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट L1 हो जाएगा ना सर फिर वो कौन सा एक था शायद टियर इंडेक्स था जिसमें ज्यादा रेट वाले प्रोडक्ट थे है क्या ना वैसे आपको चेक करना पड़ेगा चलो हम इसको देख रहे तो 105 हम इसमें 105 को देखते हैं 105 105 पहले ऊपर मिलेगा आपने 105 बाप 413 प्रोडक्ट क्या इनका प्रोडक्ट भी अपने को जबरदस्त मिला है आज 60,000 का यदि कोई फिल्टर मिल भी रहा है तो उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत ज्यादा है इसका क्या है टियर इंडेक्स यहाँ पे 105 में मुझे लग रहा है ज्यादा प्रोडक्ट पड़े है ना 105 और 80 का फिल्टर लगा देता हूँ तो अपना थोड़ा सा फिल्टर का लेवल ही कम हो जाएगा 105 का एक फिल्टर और 80 का एक फिल्टर 80 में मेरा प्रोडक्ट है इसलिए 80 में तो मुझे अभी L1 करने के लिए थोड़ा और इजी चला जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा रेट वाले प्रोडक्ट पड़े हैं और 80 वाला 80 मेरा है 80 वाला बाकी फिल्टर हो जाओ 80 अपना 80 है ना 80 जान दो इसको निकाल देते हैं 80 105 और 80 अभी देखो यहाँ पे हाई टू लो प्रोडक्ट ज्यादा रेट वाले हैं सिर्फ हमने प्रोडक्ट को थोड़े कम कर लिए हम दूसरे फिल्टर में अभी काम कर सकते हैं मॉइस्चर मैक्सिमम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको GSM 100 है हमारा GSM का फिल्टर में देखो 100 में कितने प्रोडक्ट हैं GSM 100 में 5 प्रोडक्ट हैं 100 का फिल्टर लगाया तो डायरेक्ट आता है क्या देख लो एक बार 25,500 क्या 60 आए आ गया अपने पास ज्यादा वाले 28,800 मतलब इसको यदि निकाल दिया तो डायरेक्ट मेरा प्रोडक्ट ही है बराबर साइज ऑफ पेपर A3 है यहीं से निकल जाएगा साइज ऑफ पेपर मेरा A4 है अरे बाप सब A3 में ही है नहीं तो हम ये फिल्टर नहीं यूज कर सकते सरफेस अभी अपने को ढूंढना पड़ेगा कोई तो फिल्टर स्मूथनेस में नहीं अभी यहीं से पता चलता रहेगा ना देखो अभी ना सब एक ही स्पेसिफिकेशन का है अपना प्रोडक्ट हट गया इसमें 298 नहीं है ना 28,800 का नीचे 298 का था सर हां 298 का ये नहीं है ये नहीं है क्या अच्छा अपने ही प्रोडक्ट हट गया अपने ही प्रोडक्ट हट गया फिल्टर गलत लगा दिया GSM अपना 100 नहीं है क्या GSM तो 100 ही है
दूसरा क्या है अपना, हैश कंटेंट गलत हो गया क्या? ना कुछ ना कुछ तो गलत हो गया। हैश कंटेंट 16 है मना, कंट्रोल 5 है, हैश कंटेंट 16 बराबर है, हैश कंटेंट 16 है। थिकनेस क्या है अपना, थिकनेस ऑफ में, थिकनेस ऑफ इन एमएम, थिकनेस कितना है? 118। अच्छा वो अपन ने 80 की जगह 118, वो स्मूथनेस था 80, स्मूथनेस था 80 की जगह 118 चाहिए, 18 चाहिए। हाँ, इसलिए अपना प्रोडक्ट निकल गया 118 चाहिए थिकनेस में। थिकनेस फिर से लेना पड़ेगा, ये या फिर 118 एक ही प्रोडक्ट बराबर अभी आएगा अपना प्रोडक्ट 18500 का है। ठीक है, हाई टू लो देखो, हाई टू लो क्या है प्रोडक्ट, तो हम अभी निकाल सकते हैं। अभी कोई एक फिल्टर लगा देंगे और जैसे 18500 का है और लो टू हाई में देखो कितने प्रोडक्ट है वो भी चेक कर, जो मेरे नीचे कितने और प्रोडक्ट को निकालना है मुझे, तो यहाँ से पता चल जाएगा। 1900, 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
क्या फिर से ओके 1800। अभी यहाँ पे यूज करो, बड़ा है कोई फिल्टर है, इसको यूज कर सकते हैं आईएसओ ब्राइटनेस। आईएसओ ब्राइटनेस को देखो यूज करेंगे, आईएसओ ब्राइटनेस 95 है मेरा, इसका कितना है आईएसओ ब्राइटनेस 90 है मेरा, 95 95 95 95 94 95 में 10 प्रोडक्ट है 10 ही प्रोडक्ट है 10 प्रोडक्ट में 19 है, पर रेट होना चाहिए हाई टू लो। अभी वो लगा दिया तो खत्म हो गया सर, नहीं तो हम यही वाला प्रोडक्ट बच जाएगा ना, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। कौन से यूज किए थे? 95 आईएसओ का, आईएसओ का यूज किए थे ना, आईएसओ यूज नहीं। आईएसओ यूज नहीं कर सकते, आईएसओ निकल गया। ऑप्टिसिटी मिनिमम देखेंगे, ऑप्टिसिटी परसेंटेज सीधे पेस्ट 93, इसका कितना है देखो, या फिर डायरेक्ट 93 का फिल्टर लगा देंगे तो भी चलेगा। 93 में 12 बचते 19000 का है हाई टू लो में, दो प्रोडक्ट इसमें भी एक ही बचेगा, एक ही बचेगा ना 19000, वो में नहीं चलता। अब किससे की करेंगे, अभी यहाँ पे जीएसएम का ट्राई करो ना, जीएसएम पे प्रोडक्ट कम हो जाएंगे ना सर, प्रोडक्ट कम करने से भी नहीं चलेगा ना। वन मिनट का 25, अब यहाँ पे 25 का देखो, प्रोडक्ट अपने को कम नहीं चलना चाहिए, 25 में 295 प्रोडक्ट है इसमें हो रहेगा, 295 है, चलो ठीक है 295 प्रोडक्ट थोड़े कम कर लेते हैं, 18560 है, चलो कम हो गए। अभी यहाँ पे लो टू हाई देखो, सिर्फ अपने पास अभी 295 प्रोडक्ट बच गए, 18500 18900 बहुत प्रोडक्ट है। साइज ऑफ पेपर A4 GSM 70, अब सर A4 लगा दो तो 50 प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, नहीं होंगे उस पे A4 लगा दिया तो A3 में रेट ज्यादा है ना, ज्यादा वाले को कैरी ऑन करना है तो हमने यदि A4 लगा दिया तो A3 वाले निकल जाएंगे ना सभी, ज्यादा रेट वाले ऑटोमेटिकली डायरेक्ट निकल जाएंगे ना। नहीं तो हर एक इसमें दो फिल्टर भी लग सकते होंगे ना एक साथ, लग सकते कि हमको A3 भी चलता है A4 भी चलता है। हाँ इसलिए हम जब ज्यादा फिल्टर यूज करना है तो ऐसे अभी यूज ही नहीं करेंगे, थोड़ा प्रोडक्ट को और कम कर लेते ना, ये रेट को थोड़ा बढ़ा लेते इजी हो जाएगा अपने लिए काम, इसलिए हम ज्यादा वाला फिल्टर के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। पहले आईएसओ ब्राइटनेस फिर से जाते हैं, अभी देखते हैं आईएसओ ब्राइटनेस में, आईएसओ ब्राइटनेस में प्रोडक्ट कम हो गए,
ये तो छोड़ दो आईएसओ को, और एक नीचे का कोई फिल्टर ये वाला लगाया क्या, ऑप्टिसिटी, ऑप्टिसिटी परसेंटेज कितना है, ऑप्टिसिटी परसेंटेज, परसेंटेज 93 है, 93 में प्रोडक्ट कितने, 93 में पांच प्रोडक्ट है, पांच में से मेरा प्रोडक्ट रहना चाहिए ज्यादा देर वाला। ये नहीं लगा सकते, ये चेक करते रहना पड़ेगा अपने को। सर टेंसाइल स्ट्रेंथ देखो सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ में महंगा प्रोडक्ट ही रहेगा। टेंसाइल इंडेक्स में क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाँ ये टेंसाइल इंडेक्स में, ये वाला टेंसाइल इंडेक्स, टेंसाइल इंडेक्स मशीन कॉपी फिल्टर पेस्ट। एक्चुअली इसका रेट बहुत ही ज्यादा है इसलिए इतना तकलीफ दे रहा है, नहीं तो इतना तकलीफ नहीं होता। 40 में 257 रेट। पहले तो यही निकला 18,500 वाला ही नहीं निकला। ठीक है, हम इसको फिल्टर लगा सकते हैं। GSM 70 की जगह भी GSM को 100 कर देता हूँ, मेरा GSM 100 का है शायद। अभी थोड़ा फिल्टर हम GSM के बारे में सोच सकते हैं, साइज और पेपर का तो नहीं, GSM का। GSM 100 में 6 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट लगा, क्या बोलते हैं 2500, हाँ आया है अपना प्रोडक्ट अभी 29,800 का है ना। अभी अपने को निकलना कितना प्रोडक्ट है, बाकी का प्रोडक्ट भी A3 में है ना, तो अपना हाई रेट वाले को ही निकल जाएगा ना पूरा, इसलिए A3 को नहीं निकालेंगे। A3 निकाल दे, अभी देखो अपने से नीचे कौन है, अपने से कम कौन है सर, अपने से पहले तो इसको निकालना पड़ेगा ऐसे भी, उसके बाद ये A3 है क्या, ये A3 है क्या, A3 है। अच्छा बोल रहे हैं और वो सब इस A4 में डालते हैं बोल रहे हैं क्या, देखो A4 में डाल दिया तो नहीं, A3 तो रखना ही पड़ेगा ना, तो ही वो रहेंगे ना बचे हुए भी, वो 60,000 वाले भी A3 है ना, क्योंकि खत्म हो गया हमारा प्रोडक्ट L1 नहीं आ रहा है, नहीं A3 को तो रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा सब प्रोडक्ट जो हाई रेट वाले वो A3 के, इसलिए रखना ही पड़ेगा। नहीं ये जो है सर 28, ये 90 देखो अभी ISO brightness इसका कितना है वो चेक करो, ISO brightness कितना है इसका 85 है, ISO brightness इसका 85 है, देखो अभी इसका ISO brightness कितना है, अभी जो product है उसका 85 में 5 है, नहीं लगा सकते। opticity 93 है क्या इसका, opticity 90 है, नहीं लगा सकते। यहाँ पर है tier index, टीयर इंडेक्स कितना है देखो, कॉपी फाइंड बेस्ट टीयर इंडेक्स 3.5 और 4.5 है इसका, टीयर इंडेक्स 3.5 और 4.5, टीयर इंडेक्स 3.5 और 4.5, 3.5 में 5 प्रोडक्ट है तो नहीं लगा सकते, 3.5 इसका 4.5 इसमें भी ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो हर जगह से वो प्रोडक्ट को निकालना भारी पड़ जा रहा है। स्मूथनेस में भी 5:1 का है रेशियो, छोड़ दो अभी बाकी जगह पे क्या है, यहाँ पे भी सर मेरे ख्याल से ये भी 5:1 का ही रेशियो आ गया, देखो सब जगह पे 5:1 का ही रेशियो आ गया क्या, अरे बाप रे, ये 25,000 एक्सीड कर रहा है इसलिए अब हम कंपेयर कर रहे हैं ना, हाँ 25,000 एक्सीड कर रहा है, अगर 25 के अंदर रहेगा तो नहीं, मुझे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते पिछली बार जैसा किया था। हां 100 का हम लोग अभी चलो एक तो कर सकते हैं, अपने को मिलना तो चाहिए कोई प्रोडक्ट, देखो अभी प्रोडक्ट मिलना ही एक बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि सब जो है इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कोई भी दूसरे कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा है, और उस कैटेगरी में सब प्रोडक्ट यही रेंज में पड़ता है, इसलिए अभी अभी का जो सिचुएशन है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। सर एक बार A3 और A4 दोनों को सिलेक्ट करके तो क्या होगा उसका,
मेरे ख्याल से आईएसएमआर है ना इसमें, सर के प्रोडक्ट में आईएसएमआर है, साइज ऑफ आईएसएमआर यस, इसको भी यस है, इसको नो है, तो नो करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट एक ना बचेगा। अच्छा एक ही बचेगा जो सर के, इसमें नो है। हां अभी कंपेयर के लिए जगह ही नहीं। हां हां मेरे को लगा उनके इसमें है, यस है आईएसएमआर, कंपेयर के लिए जगह ही खत्म हो गया। अभी यहां पे पांच प्रोडक्ट का है, पांच नंबर पे ये यदि मिला मुझे कॉम्पिटिटर तो ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कॉम्पिटिटर मिलेगा। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर सिर्फ एड्रेस डाल दिया तो सेलर एड्रेस नहीं, वो नहीं चलता, वो फिल्टर नहीं चलता। अभी मुझे कॉम्पिटिटर ढूंढना पड़ेगा कैसे भी, 100 101 में देखो एक कॉम्पिटिटर चाहिए और एक एक आ गया। तो किनका था L1 का क्वेरी बहुत हमें बोल रहे थे, तो देखो अब सर पार्टी देंगे उतनी बड़ी इतनी मायने बधाई हो सर। अभी इसका क्वांटिटी बढ़ा दो तो भी सर, थैंक यू लगा दो तो सर। अब इसका क्वांटिटी कितना भी दे सकते क्या, बढ़ा दो देखो कितना भी दे सकते हो, सिर्फ फिर से मीटर लगा दो आपको रेट उतने में आपको L1 हो जाएगा। पेपर तो जेके का ही है ना, जेके का ही क्या, नहीं रे नहीं चलेगा, फिर मुझे और एक लगा लेके आना पड़ेगा। हाँ जेके को पेपर, अभी ये L1 नहीं होगा, फिर अभी और एक फील्ड ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तीन मेक होना ही क्या कंपलसरी है, तीन मेक कंपलसरी है कि डिपेंड ऑन बायर? नहीं 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 नहीं, अलग ब्रांड होना चाहिए, जेके कॉपियर है ना, तीनों अलग ब्रांड होना चाहिए। दो तो सर वो कंपल्शन है कि वो बायर के ऊपर डिपेंड है? नहीं 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 कंपल्शन है, 100% आपको अलग अलग चाहिए ही चाहिए। वो ऑटोमेटिकली फिर जेएमपी वर्कआउट नहीं होगा क्या? जेएमपी वर्कआउट देखो ना, अभी नहीं ले रहा है ना फिल्टर, और जब तक ये कंपनी में यहाँ नहीं आएगा तब तक स्टार्ट कंपैरिजन होगा ही नहीं। अच्छा अभी हम लोग देख सकते हैं 100 में तीन प्रोडक्ट नहीं, साथ में देखते हैं एक प्रोडक्ट वो जाने तो, हाँ साथ में एक मिला है पर वो जेके का नहीं होना चाहिए। हो गया ना भी सेम नहीं होना चाहिए। हाँ सर इसमें अगर इसमें तीन नहीं मिल रहे थे हाँ, तो उस जगह पे अगर हमने खुद ही हमने अगर तीन प्रोडक्ट और अलग अलग आईडी अलग अलग आईडी से अलग अलग ब्रांड का डाल दिया तो भी चलेगा, अपने 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 फिल्टर से अगर चलता है ना तो वो हो सकता है ना, वो भी पॉसिबल है। आ गया यहाँ से डायरेक्ट परचेज करेंगे, सेम प्रोसीजर जैसे कि हम पहले कर रहे थे वही प्रोसीजर अभी रिपीट हो जाएगा, कंटिन्यू सेम अभी वही प्रोसीजर के साथ आगे निकल जाएंगे, ऑर्डर डायरेक्ट इनके चला जाएगा। देखना चाहते हो तो देखो उनको ही ऑर्डर दिया। सर ऐसी कंपैरिजन शीट कहां से मिलेंगी? कंपैरिजन शीट था ना अभी थोड़ी देर पहले, आ गया ऑर्डर समरी में। अरे वो पहले यहाँ पे था, ऑर्डर से पहले था, नहीं तो बाद में जब ऑर्डर दे दूंगा ना तो भाई मिल जाएगा ऑर्डर के बाद। चलो ये भी कुछ भी नहीं डाल देता हूँ, एबीसी डाल देता हूँ, कोई भी एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, देखो अभी ऑर्डर उसको ही मिला क्या, चेक कर लो 29,800 वाले को किसका है ऑर्डर। फिल्टर ध्यान रखा क्या किसका, यदि चाहिए आपको तो फिल्टर चाहे तो याद रखना, नहीं तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। ब्लास्ट का खाली फिल्टर यूज कर लो बस, आपको ये L1 हो के आपको ऑर्डर मिल जाएगा। एक्सेप्ट ओके सेंसन ऑर्डर सर। वैसे जो L1 है ये सेलर की साइड से मतलब सेलर और बायर दोनों की साइड से इक्वली होना चाहिए? इक्वली होना चाहिए बराबर, तभी ये है ना एंटरप्राइजेस, तो यही है ना आपका कंपनी का नाम सर मेरा, राइट आपको ऑर्डर चला गया ठीक है। इस जगह पे अपन कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर अगर उसके ऊपर नहीं जा रहे तो? हाँ, अभी भी कैंसिल हम नहीं देंगे, अभी मैं इसको ऑर्डर कहाँ दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, डैशबोर्ड में गया ऑर्डर गया। अब यदि ऑर्डर को पूरी तरीके से कैंसिल करना है, अभी इसको कभी भी हम ऑर्डर दे सकते हैं 7 दिन तक कभी भी, तो कहाँ मिलेगा मुझे, ऑल डिमांड में, ऑल डिमांड में जाके हम उसको ऑर्डर कभी भी दे सकते हैं, यहाँ पे मिल जाता है 29,800 कभी भी 7 दिन इसकी वैलिडिटी है। यदि आपको डिमांड जिसको डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन कर दो, डिक्लाइन हो जाएगा। अभी बीच में अभी कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा एक बार ऐड हो गया तो इसको 7 दिन तक ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं तो डिक्लाइन कर दो
और फिर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। और एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। अभी फॉर एग्जांपल हमने वो कार्ट में डाल दिया, हाँ ठीक है, और अपन फाइल फाइनेंशियल के लिए गया, हाँ, तो मुझे ऐसा दिक्कत आई थी कि 10 दिन के बाद उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल अभी तक आया नहीं तो ऑर्डर नहीं जा रहा है। फाइनेंशियल आया नहीं है तो ऑर्डर, मतलब अभी फाइनेंशियल के लिए कहाँ पे आता है कोई? आपके पास सैंक्शन ऑर्डर ही नहीं होगा और आप डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे होंगे। नहीं नहीं, सैंक्शन ऑर्डर वही सैंक्शन ऑर्डर जिसे फाइनेंशियल सैंक्शन बोलते हो। हाँ हाँ, तो आपके पास ऑर्डर, देखो सैंक्शन आपका जो है, आपको ये खरीदने का परमिशन ही नहीं है और आप खरीद रहे हो, तो खरीदने का परमिशन आने के बाद ही खरीदो ना, तो वो 10 दिन के बाद निकल जाता है अपना प्रोडक्ट। हाँ फिर निकल जाएगा वो, बराबर है ना, फिर बाद में निकल, ये वही बोला 7 दिन, इसकी जो वैलिडिटी है 7 डेज का है, 7 दिन के बाद निकल जाए। कार्ट में बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ कार्ट में भी बता रहा हूँ, अगर बायर के कार्ड में अगर अपना प्रोडक्ट गया। सर ये तो कार्ड ही दिखा रहा हूँ, ये कार्ड ही दिखा रहा हूँ, ये कार्ड ही okay. ये डिमांड डिमांड में आया ना, ऑल डिमांड, हाँ यही कार्ड है। नहीं ये शॉपिंग कार्ड क्या है, ये शॉपिंग कार्ड सर जब हम ऐड करते हैं तो टेम्पररी बेसिस में शॉपिंग कार्ड में जाता है, शॉपिंग कार्ड से वो डिमांड में चला जाता है, शॉपिंग कार्ड में रहता नहीं है, लॉग आउट करोगे वो बाहर चला जाएगा, उसको आगे प्रोसेस करोगे तो वो डिमांड में रहेगा, फिर वो सेव रहेगा, इसकी वैलिडिटी 7 डेज है। और सिर्फ उसने कार्ट में डाल दिया है? नहीं तो नहीं, वो लॉग आउट करेगा और बाहर हो जाएगा फिर तुरंत जगह पे, वो अपना प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं उसके अंदर, नहीं रहेगा, नहीं डिमांड में आना चाहिए तभी आपको भी ये 7 दिन रहेगा यहाँ पे। अभी कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ओके। और मैं जैसे एक, हाँ बोलिए सर, जैसे मैंने अभी बोला था कि फिल्टर में अपन अगर एड्रेस डाल दिया पुणे का, हाँ, या फिर हाँ, कहीं मुंबई का, नहीं नहीं मतलब अपना वो सेलर चाहिए अपने, नहीं नहीं चलता हूं। तो बायर पे कोई ऑब्जेक्शन? बायर को वो फिल्टर लेगा ही नहीं एल1 करते वक्त, वो काम का ही नहीं है वो। ऑर्डर अगर 25,000 के अंदर की होती तो अपने को एल1 करना नहीं पड़ता ना? नहीं पड़ता। ओके बेवकूफ सर। सर ये जो प्रोसेस हमने पूरा किया बायर के आईडी से किया, मान लीजिए किसी स्टेट का अपने पास मतलब बायर का यूजर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? बायर का यूजर नहीं है तो खरीदेगा कौन? नहीं बायर सेलर तो खरीदेगा नहीं। आपकी बात ठीक है, मैं सेलर हूँ बट बायर मेरे को बोलता है कि हमारे जो आईडी है वो सीनियर ऑफिसर के पास है, मेरे पास नहीं है, तो आईडी नहीं दे सकता है अपनी। बराबर बराबर। और फिल्टर बना के देने के लिए बोलता है तो उस केस में? नहीं सर वो इससे नहीं, बायर के आईडी से ही फिल्टर हो सकता है, सेलर के आईडी से सिर्फ आप चेक कर सकते हो, सेलर का आईडी से फिल्टर बना सकते हो, नहीं बनाने का नहीं, पर वो बायर के पास काम करेगा इसका कोई गारंटी नहीं। ओके, तो बायर का ही आईडी चाहिए? परफेक्ट, बायर के आईडी में ही काम, भले आप उसके पास जाओ और उसके सामने बैठ के काम करो या इंडेक्स में लो कैसे भी, पर फिल्टर करने के लिए बायर का ही आईडी लगेगा। तो कोई डमी आईडी नहीं बना सकते हैं इसमें बायर का? डमी तो आईडी नहीं बना, गवर्नमेंट के आईडी बनाने के लिए गवर्नमेंट का ईमेल आईडी बना। देखो यदि गवर्नमेंट का यदि ईमेल आईडी आपको डमी मिल जाता है तो आपका बायर का आईडी बन जाएगा। सिर्फ ईमेल आईडी है? सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए उसके लिए? हाँ, .gov का या .nic का ईमेल आईडी चाहिए। यदि आप ये अरेंज कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा। आधार नंबर का लिंक नहीं रहता? लिंक तो वो तो चाहिए ही चाहिए, वो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी में है .nsic और .gov का ईमेल आईडी होना चाहिए, ये प्राइमरी है, यदि वो मिल जाता है तो आप बन सकते हो। वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, बायर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करता है, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करता है, सभी प्रोसेस को कल के क्लास में देखेंगे। हुसैन सर बताइए। सर यहाँ से परचेज रिक्वेजिशन भी जाता है ना, 3 लोग को भेज सकते हैं एल1ों ने? पीआर बोलते हैं, हाँ जाता है ना सर, पीआर ऑन डिमांड जाता है, पैसा नहीं जाता।